भाई मॉर्निंग में हम लोग स्विमिंग पूल में गए, एंजॉय किया। अब मैं फाइनली ड्रेसअप हो गया हूँ क्योंकि आई नीड टू गो टू जैसलमेर फोर्ट। सो गाइस हम आ गए जैसलमेर किले के अंदर। अभी भी किले के अंदर करीबन 4000 पब्लिक रहती है। 4000 लोग रहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं हूँ जैसलमेर रिजॉर्ट में। ये अपना रूम है और यहाँ अपनी गैलरी है। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ बैठना, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। सुबह के बज गए हैं 10। आज हम घूमेंगे जैसलमेर फोर्ट। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो कुछ भी करो, कैसे भी करो, व्यूज बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, घंटे का बटन फोड़ दो, लेकिन मेरे को सब्सक्राइबर और यूट्यूब पे व्यूज अच्छे चाहिए। तो मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट बनाते रहूंगा। बाहर चलते हैं स्विमिंग पूल में, आज आनंद लेते हैं। चलो लेट्स गो। अभी 2 दिन हो गए मुझे यहाँ रुके हुए और यहाँ से हम लोग जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली जोधपुर। सो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर। एक्चुअली स्विमिंग पूल इतने समय से मिस कर रहे थे हम लोग। पूल में थे तो रेगुलरली स्विमिंग करते रहते थे, लेकिन अब तो स्विमिंग भी भूल गया मैं, मतलब कहाँ 7वीं 8वीं की बात बता रहा हूँ। होटल जाते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं, टाइम बीत जाता है। लेकिन अब फाइनली ऐसा अकेले का सुकून वाला मौका मिला है ना, तो खुद के लिए जो टाइम होता है ना वो आज निकला है। प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी धूप हो रही है, ठंडा ठंडा पानी हो रहा है, तो मतलब एक अलग ही माहौल हो रहा है। राइट नाउ आई एम स्टेइंग एट जैसलमेर रिजॉर्ट। इट इज सो ब्यूटीफुल यार, कितना पीसफुल है। ओ भाई, दिस इज सो रिलैक्सिंग। आई वॉज मिसिंग दिस फन। लाइफ ना एक्चुअली बहुत सॉर्टेड होती है। हर इंसान की लाइफ में टेंशन रहती है, हर इंसान की लाइफ में अप डाउन आते हैं। एंड एक्चुअली यू नो, अगर अप डाउन नहीं आएंगे ना तो फिर वो लाइफ नहीं है आई थिंक। तो हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल है। अगर आपको तुरंत आपने मम्मी पापा से बोला आईफोन दिला दो, उन्होंने दे दिया तथास्तु, तो वो आईफोन को पाने की खुशी आपको नहीं समझ में आएगी। पहली कमाई से आप आईफोन अर्न करोगे, एज इन आईफोन खरीदोगे नहीं, आईफोन खुद की कमाई से अर्न करोगे, तो वो ऐसा लगेगा ना यार कि यार हाँ दिस इज़ समथिंग आई डिड। और वो ना फिर तुम्हारा एक उससे कनेक्शन अलग हो जाएगा। जैसे मैंने CBR का आप सभी को पता है कि आई परचेज इट ऑन माई ओन, तो बात क्या है ना कि अब उस पर भगवान ना करे कभी भी एक स्क्रैच भी आएगा तो मुझे बहुत अकरेगा। तो आई नो कि हाउ आई अर्नड इट, राइट? सो इट्स जस्ट दैट। तो लाइफ में हमेशा खुश रहो, बहुत छोटी सी लाइफ है, नो वन नोस। ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे। बट या आई लव माई लाइफ एंड थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर मेकिंग मी लिव दिस लाइफ। मतलब टेंशन अपनी ज़िंदगी में भी थे, जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं उनको बाद में पता चला होगा कि यार हाँ इसकी लाइफ में भी थोड़े ब्रेकअप्स एंड ऑल्स, फिर फैमिली अप एंड डाउन वगैरह आते रहते हैं, लेकिन ठीक है चलता है यार, चिल करो। चलो भाई, मॉर्निंग में हम लोग स्विमिंग पूल में गए, एंजॉय किया। अब मैं फाइनली ड्रेसअप हो गया हूँ क्योंकि आई नीड टू गो टू जैसलमेर फोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस पहले करा लेते हैं बाइक वॉश और उसके बाद आगे की रनिंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?
जैसलमेर किले के अंदर और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ एक्चुअली लोग रहते हैं, जैसा कि कल बताया था हमें। मैंने बाइक लगाई तो अंकल जस्ट अभी आए, उन्होंने बताया इनको बाइक का क्रेज है, सो ही वॉन्ट्स अ पिक्चर विथ मी। तो अभी अपन को एक नया सब्सक्राइबर मिलने वाला है छोटा सा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना जब बाइक, अभी तो शायद नहीं चलाते होगे, जब आगे चलाओ तो हमेशा हेलमेट्स और सेफ्टी गियर ज़रूरी है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हम लोग हैं नरेश भैया के साथ। नरेश भैया हमें क्या क्या घुमाने वाले हैं? फोर्ट पूरा, जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला, इसमें राजा रानी का महल है, ठीक है, हवेली है, एक जैन टेम्पल है, हाँ, कैनोन पॉइंट है, तो एक फोर्ट का राउंड भी होगा। मारावल जैसल ने इसको बनाया था 1156 1156, तो जैसल राजा का नाम था। अच्छा, मेर जैसे मेरू माउंटेन पार्क को बोलते, तो उसका हाँ, नाम पड़ गया जैसलमेर। ओके, अभी भी किले के अंदर करीबन 4000 पब्लिक रहती है। 4000 लोग रहते हैं, दो ही जाति अंदर रहती है, ब्राह्मण और राजपूत। ब्राह्मण और राजपूत जाति के लोग रहते हैं। जैसे मैं राजपूत हूँ, मैं फोर्ट के अंदर ही रहता हूँ, तो मेरे दादा परदादा जो पहले सैनिक क्षत्रिय वॉरियर होते थे, वही जनरेशन चल रही है, जनरेशन चल रही है, पीढ़ियाँ चल रही है, तो अभी किसी ने जैसे होटलें बना दी, किसी ने रेस्टोरेंट बना दिया, तो फोर्ट के अंदर आपको 500 रुपये से लेकर 10000 का रूम मिलेगा। अच्छा, तो जैसे अपन वॉक करेंगे तो जैसे होटलें, मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह सब बना। आप नीचे से जैसे बाइक से आए हो, चार गेट है, हाँ चार गेट है। पहला जो गेट था जिसका नाम था अखी प्रोल, अखी प्रोल, हाँ, अखी राजा का नाम था, हाँ, प्रोल या पोल गेट या द्वार। अच्छा, सेकंड गेट था जिसका नाम था सूरज प्रोल, सन गेट, तो सूर्य की पहली किरण उसी द्वार के ऊपर। अच्छा, ठीक है। और तीसरा गेट था जिसका नाम था गणेश प्रोल, गणेश प्रोल, हाँ, तो रियल में पहला गेट गणेश था, 1156 में उस गेट की स्थापना की, तो अपन भी जैसे नई शुरुआत करते हैं गणेश के नाम से, गणेश जी के नाम से। चौथा और अंतिम गेट है ये वाला, हवा प्रोल, विंड गेट बोलते हैं इसको लास्ट। तो जैसे गर्मी है तो जैसलमेर में कहीं पे जैसे आप देखोगे हवा वगैरह नहीं होगा, उस गेट के अंदर जाओ 5-10 मिनट रुको तो एकदम आपको ठंडा एसी की तरह। अच्छा, तो उसको हवा प्रूफ विंड गेट बोलते हैं। ये किले का मेन स्क्वायर है, दशहरे का जब मेला होता है हमारे राजा वहाँ बैठते हैं, व्हाइट मार्बल चेयर, राज सिंहासन, वो सिंहासन, हाँ, सामने जो आप देख रहे हो ये राजा का महल है, किंग पैलेस। तो इसमें आप देखोगे ओपन बालकोनी, पूरा खुला दिया हुआ है। राइट साइड वाला रानी का महल है, ये पूरा पैक है, इसमें छोटी जाली दी हुई है। तो पुराने ज़माने में जैसे पर्दा सिस्टम होता था, औरतों और लेडीज़ को अलाउ नहीं करते थे, छोटी जाली से पूरा फेस्टिवल वगैरह देख सकते थे, बाहर वाला आदमी अंदर नहीं देख सकता था। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्मेल बढ़ती जा रही है, चमगादड़ों की बहुत ज्यादा स्मेल है, बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल है एक्चुअली, मतलब सहन नहीं कर पाओगे आप, इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है।